हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे इस्टीमेशन ऑफ आयरन इन फेरस अमोनियम साल्ट, यानी मोहर साल्ट। तो लिखेंगे बच्चों इस्टीमेशन, इस्टीमेशन ऑफ आयरन इन फेरस अमोनियम साल्ट, है ना, जिसको मोहर साल्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मोहर साल्ट। मोहर साल्ट जिसका फॉर्मूला होता है बच्चों FeSO4 NH2 NH4। अमोनियम है, NH4 का होल 2SO4 6H2, यानी दो साल्ट का मिक्सचर है मोहर साल्ट, फेरस सल्फेट अमोनियम सल्फेट, है ना। अब हम लोग बच्चों देखते हैं पोटासियम K2 Cr2O7। पोटासियम डाई क्रोमेट इसका नाम है। इस सब का फॉर्मूला बच्चों याद रखेंगे, है ना, बहुत जरूरी है। कहता है K2Cr2O7 का अगर डिसोसिएशन करते हैं तो दो पोटासियम आयन और Cr2O7, है ना, डिसोसिएट होता है दो माइनस में। ए पोटासियम डाइक्रोमेट कहता है अस्ट्रोंग ऑक्सी डाइजिंग एजेंट है ना, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जिसका क्या होता है बच्चों? रिडक्शन होता है, जिसका रिडक्शन होता है, लेकिन दूसरे को ये ऑक्सीडाइज्ड करता है। यानी ए हो गया जियो, जियो मीन्स होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है ना। लियो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी ए जो आपका हो गया रिड्यूसिंग, रिड्यूसिंग एजेंट मोहर साल्ट, है ना, जिसका क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। तो यहां बच्चों हम लोग लिखेंगे K2Cr2O7 इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना, यहां घेर दीजिए नहीं तो खिचड़ी बन जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इट ऑक्सीडाइज्ड फेरस सल्फेट FeSO4 प्रेजेंट प्रेजेंट इन द मोहर साल्ट, मोहर साल्ट में प्रेजेंट होता है ना, मोहर साल्ट इनटू Fe+ फेरिक, यहां लिख लीजिएगा फेरिक आयन, है ना, फेरस जो है फेरिक आयन में कन्वर्ट होता है, ऑक्सीडाइज्ड होता है ना। इसके बाद एंड इट सेल्फ रिड्यूज टू Cr3+ इन एसिडिक मीडियम। यानी ए जो बच्चों Cr2O7 पर दो माइनस है ना, इसका रिड्यूज होगा, है ना, रिडक्शन होगा Cr पर 3+ और दो क्रोमियम है ना, रिडक्शन हो गया। अब कहता है ए जो है, यानी पोटासियम डाइक्रोमेट स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और फेरस सल्फेट यानी मोहर साल्ट में जो फेरस सल्फेट है उसको ऑक्सीडाइज्ड करेगा, यानी Fe2+
Cr2O7-2 है ना, A जो है Fe+3 तीन प्लस और Cr इस पर भी 3 प्लस होगा, यहाँ दो क्रोमियम है ना, यहाँ 6 कर दीजिए, यहाँ 6 कर दीजिए। इसके बाद रिएक्शन को बैलेंस करना है बच्चों, तो यहाँ हम लोग देखेंगे सिर्फ K2Cr2O7 बराबर होता है 6 FeSO4 NH4 का होल टू SO4 6 H2O बराबर, यहाँ कर देते हैं बच्चों इक्वल, यानी 6 आयरन, छो आयरन इसमें कंटेन है ना मोहर साल्ट में। अब यहाँ हम लोग इसका मोलेकुलर वेट निकालते हैं, मोलेकुलर वेट क्या होगा 294, यानी पोटासियम का 39 होता है 78 हो जाएगा, क्रोमियम का 52 है 104 हो जाएगा, और ऑक्सीजन का 16 होता है 7 है 112, अगर ये तीनों को जोड़ते हैं 294 पॉइंट कुछ होगा इज इक्वल टू 6 × 56 ग्राम आयरन है ना Fe। अरे यहाँ कर दीजिए 294 ग्राम K2Cr2O7 है ना, इतना बराबर इतना होगा, इसलिए इसका अगर इक्विवेलेंट वेट निकालिएगा है ना, तो ये पोटासियम डाइक्रोमेट बैलेंस करने के बाद 6 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, जो कि पिछला वीडियो में मैंने बताया है, उसको आप ओपन करके देखेंगे है ना। 49 ग्राम K2Cr2O7 इजकल टू क्या हो जाएगा 56 ग्राम आयरन होगा है ना। अब बच्चों हम लोग यहां देखेंगे 1000 ml ऑफ NK2Cr2O7 सॉल्यूशन बराबर क्या होगा 56 ग्राम आयरन, इसलिए 1 ml 1 ml में अगर आप निकालते हैं 56 डिवाइडेड बाय 1000 इजकल टू 0.056 ग्राम Fe, यही आपका इस्टीमेशन ऑफ आयरन फ्रॉम मोहर साल्ट। तो बच्चों समझ में आया, रेगुलर क्लास करते रहिए, जो भी प्रॉब्लम है ना आप ओपन कीजिए, कमेंट में लिखकर भेजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ बच्चों धन्यवाद।